दोस्तों थंबनेल आपने देख लिया होगा, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपका भाई लेके आया फिर से टेरिफाइक होने वाला है। दोस्तों कल ही मैंने आपको अपडेट दी थी कि वीआई ने क्लियर कर दिया कि हम टेरिफाइक नहीं करेंगे, अप्रैल से टेरिफाइक नहीं होगा। एयरटेल जियो पहले बोल चुके हैं हम टेरिफाइक नहीं करेंगे, कम से कम आने वाले 3 से 6 महीने टेरिफाइक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एयरटेल और वीआई कुछ अलग तरीके से दोस्तों कान ऐसे नहीं कान ऐसे पकड़ के अपने टेरिफाइक करने वाले, आपका मोबाइल बिल महंगा होने वाला है। कैसे दोस्तों, ये 18% तक आपका बिल महंगा करने वाला है। दोनों की दोस्तों पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आपके प्लान महंगे होंगे, बहुत जल्द उसके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में। प्लीज बने रहे स्टूडियो के साथ, अंत तक मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील फैंस। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं टेरिफाइक कब से चल रहा है। दोस्तों 2019 के दिसंबर में ही यहाँ पे इन कंपनियों ने हाइक कर दिया था, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, एजीआर की मार पड़ी थी एयरटेल और वीआई को। 1.5 लाख करोड़ दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पर था, 90,000 करोड़ से ज्यादा दोनों कंपनी को चुकाना, इसलिए दोस्तों इन्होंने हाइक कर दिया। उसके बाद दोस्तों बात चल रही थी कि अब हाइक होगा, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे दोनों ही कंपनी, पहले दोस्तों बता दूं कि टेरिफाइक के बारे में जब भी कोई अपडेट होती सबसे पहले आपका भाई देता है। जियो ने दोस्तों सबसे पहले क्लियर कर दिया था कि फिलहाल मैं यहाँ पे टेरिफाइक नहीं करने वाला हूं, मैं जो मेरे 400 मिलियन सब्सक्राइबर उसको 300 मिलियन सब्सक्राइबर और अपने पास ऐड करूंगा और उसके बाद कुछ सोचूंगा, फिलहाल मैं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाने में हूं, मुझे टेरिफाई करने की कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। और उसको देखते-देखते एयरटेल भी क्लियर कर देता है कि फिलहाल मैं जो है टेरिफाई नहीं करने वाला हूं और यहां पे मैं फिलहाल अपने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऐड करने वाला हूं, जिस तरह से जियो कर रहा है वैसे वैसे ही। और टेरिफाई करके मैं क्यों बुरा बनूं, अगर मैंने टेरिफाई कर दिया तो जियो के पास यूजर चले जाएंगे। इस तरह से जियो एयरटेल ने अपना पिच क्लियर कर दिया था कि हम टेरिफाई नहीं करेंगे, वीआई को करना तो करें। वीआई दोस्तों दुविधा में पड़ा था कि मैं टेरिफाई करूं ना करूं, अगर कर दिया तो दोस्तों तो भी फंसेगा, नहीं किया तो भी फंसेगा, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन इसकी बहुत खराब है। जो यहां पे दोस्तों $2 बिलियन आने वाले थे यूएस से फिलहाल लटके हुए हैं, 15,000 करोड़ समथिंग दोस्तों फंडिंग आने वाली थी वो लटक गया है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको समय समय पर अपडेट देता हूं उसकी फंडिंग के बारे में, जहां पे 10,000 करोड़ फिलहाल आने वाला है, जो दोस्तों कुछ टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल कंपनी को पैसा चाहिए, एआरपी बढ़ाना है, अपने खर्चे दोस्तों जो है गीगानेट 4G को पूरे भारत में लॉन्च करने के लिए पैसा चाहिए, तो क्या टेरिफाई करना पड़ेगा। लेकिन वीआई भी दोस्तों दब गया था। कल एक रिपोर्ट मैंने आपको बताया था कि वीआई फिलहाल दोस्तों आने वाले 3 से 6 महीने के लिए टेरिफाइक नहीं करेगा, लेकिन अब दोस्तों एयरटेल और वीआई ने एक नया इजाद कर लिया, एक नया तरीका इजाद कर लिया जिससे टेरिफाइक होगा लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। यस, मतलब प्लान महंगे नहीं होंगे लेकिन वो महंगे हो जाएंगे। कैसे दोस्तों महंगे होंगे उसके बारे में बात करते हैं, किस तरह से कंपनियां आपका कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ेगी और आपके प्लान जो है महंगे भी हो जाएंगे और कंपनियां बोल देगी हमने तो टेरिफाइक किया भी नहीं। स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया, एयरटेल में रिसोर्ट इनडायरेक्ट टेरिफाइक, दोस्तों दोनों ही कंपनी इनडायरेक्ट टेरिफाइक करने की प्लानिंग में दोस्तों यहां पे है। वोडाफोन आइडिया भारतीय लाइकली टू रिसोर्ट द इनडायरेक्ट मेथड टू राइज द इफेक्टिव टैरिफ, जो इफेक्टिव टैरिफ है उसको इनडायरेक्टली बढ़ाने की कोशिश दोस्तों करेंगे विदाउट टचिंग द हेडलाइन रेट्स। तो मेन रेट्स है मतलब 300 का 399 का प्लान, 499 का प्लान, ये जितने प्लान है वो वही रेट रहेंगे लेकिन आपका रेट बढ़ जाएगा। क्या दोस्तों प्लान है पहले देख लेते हैं। एंड द बूस्ट एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, दोस्तों मार्केट जो एवरेज रेवेन्यू जो है दोस्तों एआरपी उसको बढ़ाने के लिए और यहाँ पे रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए इनको पैसा तो चाहिए, इसलिए दोस्तों कंपनियां करने वाली है। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है इनडायरेक्ट मैथड दोस्तों कौन सा है। पहला मैथड दोस्तों जिनका सबसे अग्रेसिव लग रहा है कि प्लान वैल्यू ऑल पैक्स एंड प्री टैक्स, दोस्तों जितने भी प्लान अभी है ना उसको प्री टैक्स पे लेके चले जाइए। मैं आपको बताता हूँ पंगा क्या है। अभी आप कोई भी प्लान लेते हैं, जैसे 449 का लेते हैं, 499 का लेते हैं या 555 का लेते हैं, 599 का कोई भी प्लान आप लेते हैं, फिलहाल अभी उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड होता है, 18% पहले से कट के आता है। यस, आपको अलग से जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से सुनना, 99 का प्लान हो, 149 का प्लान हो, 399 का प्लान हो, कोई भी प्लान हो आपका एयरटेल या वीआई के अंदर पहले से ही टैक्सेस वगैरह सब लग के आते हैं, इंक्लूसिव होता है। लेकिन अब दोस्तों यहां पे बात चल रही है कि यहां पे उसको अलग रखा जाएगा, आपको प्लान का रेट वही रहेगा लेकिन आपको 18% जीएसटी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, समझे आप। मतलब अगर आपने यहाँ पे 499 का प्लान या कोई भी प्लान आप लेते हैं 99 रुपीज का प्लान, तो पहले आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कंपनियां डायरेक्टली उसका प्लान का रेट नहीं बढ़ा लेकिन इनडायरेक्टली उसको जीएसटी से हटा दिया, उसके ऊपर आपको जीएसटी 18% देना पड़ेगा। इसका मतलब 18% महंगा हो गया, जीएसटी आपके माथे डाल दिया, अब आपको 18% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो एमआरपी वो वही रहने वाली, लेकिन दोस्तों ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा, टैरिफ बढ़ जाएगा, 99 ही रहेगा लेकिन 18% जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब ये 118
हो जाएगा। वैसे दोस्तों कुछ बात चल रही है, कंपनियां दोस्तों फिलहाल जितनी भी है इंक्लूसिव रखती है, लेकिन अब वैसा नहीं होगा, उसको अलग रखा जाएगा, जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा, कुछ इस तरह से करने वाली दोस्तों। यहां पे फिलिप कैपिटल दोस्तों हमें बता रही है कि वीआई एयरटेल जो है इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी दोस्तों बना रहे, मेंटेनिंग देयर करंट प्रीपेड प्लान्स, द सेम प्राइस वो वैसा ही रहने वाला है दोस्तों, प्लान का रेट वही रहेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपका प्राइस हो जाएगा, उसको प्री टैक्स में लेके आ जाएंगे, मतलब टैक्स से पहले ही अमाउंट है। अभी 99 का जो प्लान है ना वो टैक्स के साथ आता है, लेकिन अब जो प्लान है वो वही रहने वाला है, लेकिन प्री टैक्स, टैक्स से पहले। उसके बाद आप जैसे ही प्लान लेंगे तो 18% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, मतलब जीएसटी आपको यहां पे देना पड़ेगा 18%, और उसके बाद आपका प्लान 18% तक महंगा हो सकेगा। दूसरा भी दोस्तों एक और यहां पे आइडिया बता जा रहा है कि जितने भी इनके प्लान्स हैं उनकी वैलिडिटी को कम कर दिया जाए, जैसे 28 दिन की कोई प्लान है ना, 28 डेज का, उसको 24 दिन कर दो। यस, मतलब प्लान का प्राइस वही है, जैसे 99 रुपीज का प्लान है दोस्तों, उसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, तो उसको 24 दिन कर दो, ठीक है, तो आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा 24 दिन के बाद। तो ये 4 दिन जो है यही आपका टेरिफाई के, मतलब इनडायरेक्टली आपका टेरिफाई करने की दोस्तों यहां पे प्लानिंग चल रही है, जिससे 16%, अगर ये 4 दिन की कैलकुलेशन करें तो 16% आपका टेरिफाई हो गया अगर 4 दिन कम कर दिया, तो वैसे कुछ कैलकुलेशन चल रही है। उसके साथ साथ दोस्तों बात कर रही है कि कंपनियां जो होगी यहां पे इस तरह से ही दोस्तों आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां पे बढ़ाने वाली। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि कंपनियां जो है रेट जो है दोस्तों यहां पे बढ़ा नहीं सकती, फिलहाल डायरेक्टली रेट नहीं बढ़ाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली आपके टैरिफ को इस तरह से हाइक कर देगी, या तो आपका डेटा वगैरह जो है दोस्तों कम कर दिया जाएगा, अगर आपको फिलहाल 1.5 GB डेटा मिलता है तो उसको 1 GB कर दिया जाएगा, फिर आपको दोस्तों डेटा जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा डेटा लेना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये बताई जा रही है कि यहां पे 18% जीएसटी आपके ऊपर डाल दिया जाएगा, फिलहाल आपके प्लान के अंदर जीएसटी इंक्लूड होता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों जीएसटी एक्स्ट्रा 18% हो जाएगा। दूसरा सजेशन दिया जा रहा है दोस्तों कि ऐसा भी हो सकता है कि काम प्लान की वैलिडिटी कम कर दीजिए, 4-5 दिन कम कर दीजिए, तो 16-17% दोस्तों वैसे ही आपको चिपक जाएगा। तीसरा बताया जा रहा है कि जो आपके डेटा की दोस्तों मिलता, मतलब 1 GB 1.5 GB जो मिलता है उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा, जिससे दोस्तों आपका डेटा की खपत तो वैसे ही है, तो आपको और डेटा लेना पड़ेगा, तो आपका वैसे ही महंगा हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पॉकेट पे डाका डाला जाएगा, आपके पॉकेट से ज्यादा नोट निकाले जाएंगे। तो दोस्तों फिर से टेरिफाई को नाला है, बहुत जल्द कंपनियां एयरटेल और वीआई आपके टेरिफाई कर सकती है कुछ अलग तरीके से दोस्तों। यहां पे अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली दोस्तों कंपनियां तो बोल देगी कि मैंने तो प्लान वही रखा है, 399 ही है, और कंपनियां दोस्तों फिर से बता दूं कि फिलहाल दोस्तों ये पेरी इसलिए आई नहीं करी क्योंकि जो इनका एक्चुअल रेट है ना उसको इसलिए नहीं बढ़ा रही है क्योंकि वैसे गलत इफेक्ट जाएगा। और जियो जो है दोस्तों वो राहा में बैठा है, उसके प्लान पहले से ही 10-15% सस्ते रहते हैं और वो रेट बढ़ाने वाला नहीं है, अगर इन कंपनियों ने रेट बढ़ा दिया तो जियो के पास सब्सक्राइबर छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए इनडायरेक्टली गेम खेला जा रहा है, जहां पे बताया तो ही जाएगा कि हमारे प्लान वही है, 99 का है, 149 का है, 299 का वही रेट है, सिर्फ जीएसटी आपको एक्स्ट्रा अलग देना, मतलब 18% आपको अलग देना, तो इस तरह से दोस्तों प्लान बढ़ने वाले। तो मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है, कंपनियों को क्या करना चाहिए, कंपनियों को क्या आपके ऊपर डाल देना चाहिए जीएसटी, और कंपनियां ये जो कर रही है क्या सही है, मुझे नीचे कमेंट करके आपके जितने भी विचार है नीचे दोस्तों जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डिफेंस चलेगा, पहली बार हमारे चैनल में पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जोर दबा देना, इसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे, इसके पास देखिए घंटी का बटन उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले, तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जोर दबा देना। आज के लिए इतना ही, फैमिली एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ, अब के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।